नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बोल हरियाणा बोल में स्वागत है आप सभी का। आप सभी के साथ मैं हूं पूजा यादव। हमेशा की तरह नया मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हुए, जिस पर आपकी राय जानने की हम कोशिश करेंगे। 01143214321 हमारा नंबर है हमेशा की तरह। रुख आज के सवाल क्या कर लेते हैं। किसान मोर्चा ने की स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कराने की बात। जी हाँ, लगातार किसान मोर्चा की तरफ से जो कोशिशें हैं वो की जा रही है। एक लंबे वक्त से मांग उठ रही है स्वामीनाथन आयोग को लागू कराने की। इसके साथ ही रेलवे की तर्ज पर कृषि बजट अलग से पेश किया जाए, ये भी मांग की। स्वामीनाथन आयोग ने की है 50% लाभकारी मूल्य देने की सिफारिश। अगर आयोग की सिफारिशें ज्यों की त्यों लागू कर दी जाए तो बेतहाशा बढ़ेगी खाद्य पदार्थों की कीमतें। देश में कर्ज के चलते हजारों किसान करते हैं आत्महत्या। किसानों तक पहुंचते पहुंचते सरकारी स्कीमें फुस हो जाती हैं। किसानों को बचाने के लिए सरकार को करना क्या चाहिए? स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हूबहू लागू करनी चाहिए, मानते हैं आप ऐसा? क्या स्वामीनाथन आयोग से किसानों को राहत मिलेगी, क्योंकि अब तक इस तरह के जो कदम उठाए गए हैं उनका लाभ किसानों तक कम, बिचौलियों को ज्यादा पहुंचा है। ऐसे में हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को करना क्या चाहिए। क्या हूबहू स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आई, जो उसकी शर्तें हैं, क्या उनको लागू कर देना चाहिए? एक बेहतर ऑप्शन है क्या वो, या फिर आप मानते नहीं इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला है? किसान के अगर हित में कदम उठाने हैं तो वो कदम कुछ और हैं, वो जो कदम हैं। क्योंकि देखिए, हरियाणा में हमारे किसान भाई बहुत हैं, बखूबी वो लोग जानते हैं किस तरह की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं सरकार करे क्या आपके लिए, जिससे आपको फायदा हो और सरकार की जो योजनाएं हैं वो बिचौलियों की भेंट ना चढ़े, वो महकमों की भेंट ना चढ़े, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए हो, आपके लिए फायदेमंद साबित हो, किसी और के लिए नहीं। उसका फायदा सिर्फ आप तक सीमित होना चाहिए, यानी जो टारगेट ऑडियंस है सीधी बात वहीं तक पहुंचनी चाहिए, सीधा फायदा सीधा लाभ वहीं तक पहुंचना चाहिए। हमें बता सकते हैं आप 01143214321 पर। बहुत ही खास मुद्दा है आज का, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा। हरियाणा हरियाली नाम से झलकता है। इस हरियाली को बरकरार रखने के लिए, किसानों की खुशी बरकरार रखने के लिए, किसानों के चेहरे पर एक मुस्कान बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को हूबहू लागू या फिर कुछ और? क्या तरकीबें हैं, किस तरीके से चीजें दुरुस्त हो सकती हैं किसानों के लिए? आप सभी किसान हमारे साथ जुड़े 01143214321। कोई ना कोई, चाहे आज आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस खेती बाड़ी से, किसान की अगर हम बात करते हैं तो इस कृषि से आपका ताल्लुक जरूर रहेगा। चाहे आपके रिश्तेदार हों, आपके पूर्वज रहे हों जिन्होंने मुश्किलों को सहा है, और यही वजह है कि आज किसान का बेटा भी किसान बनना नहीं चाहता। वो भी आज इंजीनियरिंग में जा रहा है, वो भी आज डॉक्टर में जा रहा है, वो डॉक्टर बन रहा है, वो भी आज सरकारी कर्मचारी बनना चाहता है, लेकिन किसान कोई बनना नहीं चाहता। लेकिन अगर कोई किसान ही नहीं बनना चाहेगा तो जरा सोचिए कहाँ से अन्न हमारे पास आएगा, क्या खाएंगे हम? और हर चीज आयात नहीं की जा सकती है। करमवीर फौजी हमारे साथ में है, कहें फौजी जी क्या कहना चाहते हैं आप? रणधीर जी माफ कीजिएगा, कहें क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है 50% किसानों को मुनाफा देने के लिए, वो बिल्कुल एज ए सही है, उसको जल्दी से जल्द लागू किया जाए। यदि बात आती है कोई भी भाई और चीजों पर तो ये बढ़ेगा छोटा, तो उसमें ऐसा है जो भी खेती से संबंधित है, खाद है, बीज है, दवाई है, उनको रेट कम करके, लेकिन किसानों का मुनाफा कम ना किया जाए और इस चीज को ये लागू किया जाए। उस रेट को कम करने से बाकी पब्लिक को भी उसमें फायदा होगा, जो अपनी दवाइयां है, खाद है, बीज है, इनकी कीमत को कम करके और किसानों को उसका फायदा मिलना चाहिए। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। आप तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 01143214321 हमारा नंबर है। दीपक हमारे साथ है। दीपक जी आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? दीपक जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, दीपक से शायद हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है। आप तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 01143214321 नंबर है हमारा। आज का बहुत ही खास मुद्दा लेकर हम आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं। कृषि जो है वो पहचान है हमारे देश की हर, और अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पर तो जैसे कि हमने इससे पहले भी जिक्र किया, हरियाली नाम से ही झलकती है। तो हरियाली को अगर बरकरार रखना है, ये हरियाली तभी बरकरार रह सकती है हरियाणा की जब किसान खुश होगा। सरकार की चाहे कितनी भी नीतियां क्यों ना हो, लेकिन आप लोग बखूबी इस बात को जानते हैं कि आप लोग खुश हैं। अलग अलग तरीके से किसान की नाराजगी सामने आती है, बिजली जब कटती है और जब बारिश नहीं होती है, सबसे पहले माथे पर शिकन किसान की आती है। सर्दी ज्यादा पड़ जाए तो खेती खराब हो जाती है,
धूप ज्यादा पड़ जाए तो खेती खराब हो जाती है। सोहन हमारे साथ में है। सोहन जी कहीं क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्ते जी। मैडम जी, हमारा ये कहना है कि किसानों को इस स्कीम का लाभ मिलना चाहिए पूरी तरह से। बात पूरी कीजिए। किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए और क्या नाम, पानी की जो कमी है हरियाणा में, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इसको ध्यान में रखकर किसानों को लाभ मिलना चाहिए मैडम। चलिए, किसानों को लाभ मिलना चाहिए, ठीक है, हम भी यही जानने की कोशिश करें, लेकिन कैसे, किसान खुश कैसे होगा, खुद बताइए हमें। क्या आप चाहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया जाए? एक बेहतर ऑप्शन वही है, हूबहू उसको लागू किया जाए, कोई छेड़छाड़ ना हो जैसा कि लोकपाल के साथ में हुआ। महेंद्र हमारे साथ में, महेंद्र जी बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, जो आप ये कह रहे हो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट किसानों के उस फेवर में लागू करनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल करनी चाहिए मैडम। आजकल किसानों का जो है बहुत बुरी दिशा हो रही है, बुरा हाल हुआ हुआ है जी। और फर्टिलाइजर की और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की दवाएं काफी महंगी हो चुकी है, इनको कोई बचत नहीं होती, इसलिए जो है कुल मिला के ये मंडी में जाते हैं तो उसका मोस्टर काट लिया जाता है जी। और कुल मिला के ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। फर्टिलाइजर का, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का ध्यान रखना चाहिए, उनके रेट नहीं बढ़ने चाहिए जी। चलिए, बीज भी आजकल, बेहद ही शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। पेस्टिसाइड्स की बात हो, बीज की बात हो, या फिर उर्वरक की बात हो, ये सब चीजें सस्ती हो जानी चाहिए किसानों के लिए, ताकि लागत मूल्य कम होगा, जब लागत मूल्य कम होगा तो किसानों को फायदा होगा, इनका मानना है ये। हमने कहा कि अगर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाती हैं तो उसमें जो खाद्य पदार्थ हैं वो महंगे हो जाएंगे और जनता वैसे ही परेशान है महंगाई से। सुरेश हमारे साथ हैं, सुरेश जी क्या कहना चाहते हैं बताएं। हेलो। हाँ जी सुरेश जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। ऐसा है जी, सरकार ने जो बिजली कनेक्शन जो बंद किए हैं ना जी, जी इनके लिए बड़ा रोष हो रहा है किसानों में जी। जी इन्होंने जो सेल्फ स्कीम में जो कनेक्शन करते थे अब बंद कर दिए मैडम जी, जो पैसे भरने थे लोगों के, पैसे सरकार में भर रखे हैं और अभी वो भरवा नहीं रहे दोबारा जी, बंद कर दिए एकदम से जी। आप चाहते क्या है फिर, सरकार क्या करे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए? किसानों को फायदा के लिए था जी, गवर्नमेंट में तो कनेक्शन होते नहीं जी, और सरकार में जो प्राइवेट कनेक्शन लेते थे वो इन्होंने बंद कर दिया अब एकदम से जी। चलिए, बेहद ही शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। 01143214321 हमारा नंबर है हमेशा की तरह। हमारे नियमित दर्शक हमारे साथ हैं एनके चावला। चावला जी क्या कहना चाहते हैं आज? नमस्कार जी। नमस्ते जी। जो ये स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में कहा गया है जी, ये लागू होनी चाहिए। और आप देखिए, सिर्फ किसान ही नहीं, आम आदमी, गरीब आदमी मर रहा है, पिस रहा है महंगाई से जी। ना को मुंह भी सुविधा है, ना कोई, महंगाई इतनी हो गई है, गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। एक गरीब मजदूर आदमी 200 रुपए डेली कमा जाता है तो उसको घर का खर्चा नहीं चलता, तो बच्चों की पढ़ाई है, मकान है, बिजली के बिल है, वो कैसे काम चलेगा जी। कि सरकार और सरकार को हरेक नागरिक के बारे में सोचना चाहिए और हरेक का उत्थान के बारे में कोई नई नई नीति ऐसी बनानी चाहिए तो जिसका 100% हर आदमी को मिलेगी। धन्यवाद जी, बेहद शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। देखिए, हम भी यही चाहते हैं, हर नागरिक खुश हो, चाहे किसान हो, चाहे बिजनेस मैन हो, हर तबका है, व्यापारी के वर्ग की बात कर लीजिए, सभी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कोशिशें हर कोई सिर्फ अपने लिए कर रहा है, ये भी एक हकीकत है। चाहे वो नेता हो, चाहे वो व्यापारी मंडल हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, अगर किसी ने अपना प्रोफेशन चुना है तो उस प्रोफेशन के जरिए वो आय चाहता है। सेम किसान का भी है, किसान भी अगर खेती बाड़ी कर रहा है तो वो भी चाहता है घर परिवार में खुशहाली आए और वो भी संपन्न हो, उनका परिवार भी संपन्न हो, लेकिन होता क्या, उसके बिल्कुल उलट। दर्शक हमारे साथ हैं, नरेश जी क्या कहना चाहते हैं आप बताएं। नरेश जी क्या चाहते हैं आप, हूबहू स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू? नहीं मैडम, जैसे है ना, यूं क्यों देवा तो महंगाई बढ़ा है, मैं ये चाह रहा हूँ जैसे बिजली है, नहरी पानी है और खाद और ये जो दवाइयाँ है जी, ये किसान को फ्री में गवर्नमेंट वो करे ना तो मेरी ख्याल से खर्चा घटेगा और नहरी पानी ज्यादा से ज्यादा मिले और बिजली के कनेक्शन नहीं है, बिजली का सारा सुविधा फ्री मिलना चाहिए किसान को जी। चलिए नरेश जी, बेहद शुक्रिया। आप तमाम जितने भी किसान वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं हमें फोन कॉल कीजिए, जो नहीं जुड़े हैं वो भी अपने आइडियाज, अपने थॉट्स
हमारे से जरूर शेयर करें। आप भी बताइए आखिर आप क्या सोच रहे हैं, आप भी देश के नागरिक है, बखूबी आप लोग भी समझ रहे हैं इस बात को कि किस तरीके से चीजों को दुरुस्त किया जा सकता है। सिचुएशन आप लोगों के सामने भी है, हरियाणा से आप बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दूर की रिश्तेदारी में ही सही, लेकिन हाँ आप जानते हैं कि किस तरह की परेशानियां एक किसान को झेलनी पड़ती हैं। आज कर्ज के बोझ के तले दबकर कितने ही किसान आत्महत्या कर लेते हैं, जब फसल खराब होती है और इतनी मेहनत के बाद उसको उगाया जाता है, उस वक्त माथे पर जब शिकन आती है तो ये चीज नजर आती है कि अब आगे घर का खर्चा कैसे चलेगा, जो कर्जा लिया है मैंने ये फसल उगाने में उसको मैं चुकाऊंगा कैसे, इसी से डर कर किसान आत्महत्या कर लेता। नरेंद्र हमारे साथ में है। नरेंद्र जी आप बताएं क्या मानते हैं आप, क्या करना चाहिए सरकार को? नमस्कार। नमस्ते जी। ये स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है ये हर हालत में लागू होनी चाहिए जी। अब आप देखिए इधर आंध्र में कर्नाटक में हर दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप किसी और भी किसी डिपार्टमेंट में देखिए, सरकारी रोजगार में प्राइवेट सेक्टर में कोई भी आत्महत्या नहीं कर रहा, लेकिन जमींदार है किसान है वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो आपको एक आंकड़ा बताता हूँ मैम, ये 92 की बात है, 92 में एक डेप्यूटी टीचर की तनख्वाह लगभग 2000 के आसपास थी। थोड़ा सा आप तेज बोलिए, थोड़ा सा। एक 92 में एक डेप्यूटी टीचर की तनख्वाह 2500 के आसपास थी जी, और उसका सालाना प्रोडक्शन लगा वो इनकम लगा 30,000 या 36,000 के आसपास, और एक जमींदार एक या दो एकड़ में उसका मुकाबला कर लेता था, लेकिन आज एक एकड़ वाला जमींदार उसका मुकाबला कैसे करेगा? एक उसकी जो डेप्यूटी टीचर है उसकी तनख्वाह लगभग 30,000 रुपए है जी, तो अब उसकी इनकम देखो सालाना लगभग 360,000 रुपए बनती है, लेकिन एक जमींदार की बात पूरी कीजिएगा। चलिए नरेंद्र जी बेहद शुक्रिया। प्रवीण जैन हमारे साथ में, प्रवीण जी आप बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम जी। नमस्ते प्रवीण जी। मैडम जी मेरा कहना यह है कि किसान को एक तो बिजली और पानी पूरा मिलना चाहिए जी, दवाई और खाद कम रेट पे मिलनी चाहिए जी, और ऐसी कोई जितनी भी सरकारी स्कीम होती है किसानों के लिए हर किसान को मिलनी चाहिए ताकि कोई आत्महत्या ना करे, और सरकार को ऐसा कोई हिसाब लगाना चाहिए भाई किसान का डायरेक्ट जो है ना आम आदमी को मतलब पहुंचे, ताकि जो बीच में कई जगह उनके मुनाफे बढ़ते हैं मैडम जी, जी वो कम हो, क्योंकि देश का कोई भी किसान या कोई भी आम इंसान अगर आत्महत्या करता है तो वो हमारे प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, क्योंकि देश जो है प्रधानमंत्री के बच्चों के समान होता है, जितने भी हमारे नागरिक हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं उनके बच्चों के समान होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि देश के हर नागरिक का ध्यान रखे, हर नागरिक की खुशी का ध्यान रखे, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो, चाहे वो जॉब करने वाला हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे किसान हो, हर किसी की सुख सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश में किसान मर रहे हैं तो आने वाले टाइम में जब किसान ही नहीं रहेंगे कौन अनाज उगाएगा, कहाँ से खाएंगे, देश कैसे चलेगा मैडम जी, तो किसानों की बात तो खास करके ध्यान रखना चाहिए ताकि इनको मुनाफा हो, तो आगे किसान किसानी करे, ये ना हो भी किसान का बेटा सोचे भी मैंने शहर में जाके नौकरी करनी है काम करना है इसीलिए सोचता है वो, ताकि उसको पैसा पूरा नहीं मिल पाता मैडम जी, तो ऐसी कोई स्कीम होनी चाहिए ताकि घाटा ना हो, और देश का किसान तो क्या कोई भी आम आदमी भी कोई भी आम नागरिक भी आत्महत्या ना करे मैडम जी, ऐसी स्कीम में लागू होनी चाहिए और डायरेक्ट किसानों तक पहुंचनी चाहिए मैडम जी। बेहद ही शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। ऐसी स्कीम्स आनी चाहिए जिससे ना एक आम आदमी भूखा सोए और ना ही कोई किसान भूखा सोए। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? नवीन जैन जी बताएं। चलिए जोगी राम जी हमारे साथ हैं इस बीच, एक और दर्शक। जोगी राम जी आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी मैडम। नमस्ते जोगी राम जी, कहें। मेरा कहना ये है जी, मतलब मेरे भाई कह रहे हैं जी बिजली फ्री होनी चाहिए, पानी फ्री होना चाहिए, फ्री होने से तो काम नहीं चलता, ऐसा कुछ नहीं है, मेन समस्या क्या है, जो जिम्मेदार है जिम्मेदार को रेट नहीं मिलता जी, अपनी जो फसल है उसका रेट सही नहीं मिलता, आलू खरीदी चल वाले ने जी, हाँ चोल काटे, चोल काटने के बाद उसने अपना पूरा रेट लगता है, क्या मेरा खर्चा आया ना होया, वो अपना खर्चा काट के फिर रेट बना के आगे चोल बेचता है जी, जिम्मेदार अपना मतलब सारा खर्च करके तो जाके मंडी में गिर देता है, तो उसका रेट मतलब दुकानदार जो मर्जी रेट आए वो खरीदे, तो उसका खर्चा होया मतलब 10,000 रुपये, उसको मिले मतलब 8,000 रुपये, यहाँ से ज्यादा मतलब जिम्मेदार को मरा है। चलिए बेहद शुक्रिया आपका। सुनील हमारे साथ है, सुनील आप कहीं क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना है जी, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है वो जो कि तो लागू होनी चाहिए, किसान आज का कितना परेशान है उसको उतना जो दिन की दाड़ी है वो भी पूरी नहीं मिल पाती है,
छह महीने के बाद उसके पास पेमेंट आती है, पूरे छह महीने खर्चा करता है वो। ठीक है मैडम, कितना पैसा और ब्याज भी लगता है, लेकिन किसान बहुत ज्यादा समस्या कर रहे हैं कर्ज के कारण। चलिए बेहद ही शुक्रिया आपका। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हूबहू लागू होनी चाहिए, लेकिन उससे खाद्य पदार्थ महंगे भी होंगे, ये भी एक उसके साथ में। आप इसको चाहे तो किसी के लिए फायदा मान लीजिए या फिर किसी के लिए नुकसान मान लीजिए। गुलशन हमारे साथ हैं, गुलशन आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी राधे राधे मैडम जी। राधे राधे जी कहें। जी आज के टाइम में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसके पीछे है किसान आज के टाइम में जागरूक नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है जी। महंगे भाव में डीजल, बीज, पेस्टिसाइड खरीदता है, उसका उसको लागत मूल्य ही नहीं देता जी। सरकार इसके लिए काफी कुछ कर रही है पर किसान जागरूक नहीं है। कुछ देवीलाल जी आए थे, सर छोटू राम आया था जी, उन्होंने काफी जागरूक किया था किसानों को, पर इस टाइम कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो इनको जागरूक कर सके। किसी एक ही जी, किसी एक को आगे आना पड़ेगा जो इनको जागरूक कर सके, जो इनको बढ़ा सके। चलिए किसी एक को आगे आना होगा जो इन लोगों को जागरूक कर सके, जो इन लोगों को बढ़ा सके। बेहद ही शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तमाम दर्शक भी जुड़िए 0114321 4321 पर। हमारा सवाल आज बहुत ही खास है, देखिए आप तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़िए अपने सुझावों के साथ में। आप जो भी सोच रहे हैं, आपके पास जो विचार है, आप हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि देखिए सरकार भी कोई भगवान नहीं है, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे विश्लेषक हैं जो उनको हर चीज बता रहे हैं, जो उनको बता रहे हैं कि किस तरह से आप जो है चीजों को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर नए थॉट्स निकल कर सामने आते हैं, या फिर सरकार को भी कम से कम पता लगे कि जनता एग्जैक्टली चाहती क्या है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के अपने एजेंडाज हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग हो या फिर ऐसे कई, देखिए अच्छी चीजें आनी चाहिए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। लोकपाल भी की अगर बात करते हैं, अगर असल में लोकपाल आता तो वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ आया है, तो चीजें जनरेट हो रही है। लेकिन उसके साथ में हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सभी को फायदा मिल रहा है, समान रूप से फायदा मिल रहा है, यही हमारा सवाल है। दरअसल आप लोग भी जुड़ सकते हैं 0114321 4321 पर। हमारा आज का खास कार्यक्रम लगातार बरकरार है, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं इस बीच, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। ललित जी आप सुन पा रहे हैं तो बात रखिएगा। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी कहें। मैं तो बस यही कहता हूँ जी, जैसे किसानों को जब पेस्टिसाइड लेने जाते हैं और हम खाद लेने जाते हैं, उनका रेट निर्धारित है तो हमारी फसल का रेट भी निर्धारित होता है, पर जब मंडी में हम ये फसल फेंक रखते हैं तो हमारे को निर्धारित रेट नहीं मिलता। किसानों की मतलब ये नहीं है भी कोई निर्धारित रेट नहीं है, और बिजली पानी पूरी नहीं मिलती जी। और दूसरा वो वाली बात नहीं है भी, जब पहले कहते थे जय जवान जय किसान, अब वो नारा ही रह गया जी। हाँ, ये नारा ही अब रह गया है, जय जवान जय किसान। एक वक्त पर पावर थी ये खेती बाड़ी, ये कृषि देश की पहचान थी, लेकिन आज क्या, जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा, आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसको मालूम है कि मेहनत के बाद भी आपको रहनुमाई पर जीना पड़ता है, शायद बारिश आए तो आपकी फसल अच्छी हो जाए, धूप कहीं ज्यादा ना पड़ जाए, इस बार सर्दी कहीं ज्यादा ना पड़ जाए, कहीं पाले से फसल खराब ना हो जाए। छह महीने मेहनत, फिर छह महीने का इंतजार, उसमें भी कई बार जब मंडियों में जाते हैं, जैसे कि एक दर्शक ने कहा, जब मंडियों तक फसल पहुंचती है तो जरा रेट फिक्स है, लेकिन उसके बावजूद भी ऊपर नीचे मोल भाव किया जाता है। कई बार तो इंतजार किया जाता है कि बारिश हो जाए, अच्छी बात है, फसल थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, कई बार ऐसा भी मंडियों में होता है, ऐसे हालात भी सामने आते हैं। तो ये जो बिचौलिए बैठे हुए हैं, ये सबसे ज्यादा चीजों को खराब कर रहे हैं। सतीश हमारे साथ, सतीश जी क्या कहना चाहते हैं बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हरियाणा के अंदर और ये पूरे ये अपना भारत कृषि प्रधान देश है जी, और इसमें कृषि जो किसान खेती करते हैं उन्हीं के साथ खिलवाड़ किया जाता है जी। और सबसे पहली बात जैसे बिजली का काम है, बिजली वाले किसान की सुनते नहीं, और कुछ दूर रहा खया जो है ये दवाई वगैरह खा जाती है, महंगे खाद और डीजल खा जाते हैं किसान को। तो होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए सरकार को? आप हैं हमारे साथ, देखिए ये तो हम भी जानते हैं, बखूबी आप लोग भी जानते हैं, और जो अभी तक नहीं जानते थे वो भी पहचान गए होंगे कि किस तरह की तकलीफें कई बार सामने आती हैं। हर किसान गरीब भी नहीं है, हम ये भी जरूर कहेंगे। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ हैं, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। नवीन जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। चलिए मनोज जी हमारे साथ हैं, मनोज जी आप बताएं। मैडम जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार कोई भी आए या इन एलओ आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए जी, ये जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है ये हमारे लिए एक
मनगढ़ंत कहानी है, जैसे नेता बोलते हैं चंडीगढ़ हमारा होगा, बाखड़ा बांध रहा पानी ले जाएंगे, वैसे स्वामीनाथ आयोग के लिए ये चुनावी मुद्दा है हमारे लिए, ये कभी भी कोई नेता कभी भी लागू नहीं करेंगे ये तरह के चुनावी मुद्दे। आप इसको फायदेमंद मानते हैं क्या? सवाल हमारा यही है, क्या आप चाहते हैं कि हूबहू स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाए, या फिर आप मानते हैं कि समाधान इससे भी नहीं होने वाला है, समाधान करना है तो उसके लिए अच्छी नीयत, साफ नीयत और नेक ख्यालात की जरूरत है जो अब जनरेट करने होंगे, जनता की जो समस्या है उसको समझकर, मूल में विराज यहाँ पर रहा है वो समझकर तब समाधान ढूंढ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। सुन पा रहे हैं वीरेंद्र जी आप? हेलो, हाँ जी कहें, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी मैडम जी। नमस्ते जी। किसान को सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत होती है जी, पानी की और बिजली की जी। ये दोनों चीजें अगर किसान को नहीं मिलेंगे तो आत्महत्या नहीं करेगा और किसान क्या करेगा जी? तो क्या चाहते हैं सरकार से? मैं सरकार से ये चाहता हूँ जी, जो बिजली के कनेक्शन होते हैं इनको कभी किसी स्कीम के तहत चलाते हैं, कभी किसी स्कीम के तहत चलाते हैं जी। चलिए बेहद शुक्रिया। स्कीम्स बदल दी जाती है, जैसे कि हमने अभी जिक्र भी किया आपको, हमारा सवाल आप लगातार देख रहे हैं, स्कीम्स आती हैं चली जाती हैं, फुस हो जाती हैं, कुछ चल जाती है तो वहाँ पर या तो अपने लोगों को तवज्जो दी जाती है या फिर जो बिचौली है वो इसका फायदा ले जाते हैं। राम सिंह जी आप बताएं क्या करना चाहिए सरकार को? मैडम जी नमस्कार। नमस्ते जी। ये जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है ये मैडम जी बहुत पहले लागू करने की है, सरकार बहुत लेट हो सकती है, किसान बिल्कुल कर्ज में डूब गया हुआ है जी। और जैसे मंडी के अंदर हम फसल बेचते हैं, जब हम किसी दुकानदार से फसल लेते हैं तो हमको प्राइस काटे किससे हमें फसल मिलती है, और हमारी फसल ऐसे ही तोड़ ली जाती है जी। छोटी छोटी मंडियों में भी एक रूल बना दिया जाता है, आपको क्विंटल के साथ इतना फल तो हम तोड़ लेंगे, इनका कौन सा झड़पियों का हमारी फसल को जबरदस्ती तोड़ रही है, कहीं हमारी कोई सुनाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है हमारे ऊपर। तो मैडम जी और ये जो टोल का खर्चा किसान के ऊपर लगता है ये लगे या सरकार पर लगे, किसान के ऊपर क्यों लगता है ये जबरदस्ती खर्चा थोपते हैं? क्या चाहते हैं फिर आप लोग, सरकार को करना क्या चाहिए? कंप्यूटराइज करते थे हमारी फसल तोड़नी चाहिए, एक ग्राम भी फल तो नहीं जानी चाहिए, पहिया पहिया तक एक क्विंटल के साथ फल तोड़ते हैं, बोलते मंडी का रूल है, मंडी रूल बनाती है किसान की फसल के ऊपर, मैडम किसान कहाँ से ठीक होगा जी। बेहद ही शुक्रिया आपका। मंडी के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, कंप्यूटराइज तरीके से जो तौल है वो होना चाहिए ताकि किसान का एक दाना भी फालतू ना जाए, वो जिस मेहनत और लगन के साथ में उस अन्न के एक एक दाने को उपजाता है उस एक एक दाने की कीमत किसानों को मिलनी चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है मंडियों के अंदर। और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हो भी जाती हैं तो फायदा नहीं होगा, कुछ दर्शक ये भी मान रहे हैं, उससे बेहतर है कि बिजली पानी की जो समस्या है वो दूर होनी चाहिए। इसके साथ ही जनता ने कहा कि जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो बेईमानी हो रही है, जो ठगा जा रहा है किसान को, वो चीजें बंद होनी चाहिए। स्वामीनाथन आयोग अपनी जगह पर सही हो सकता है लेकिन जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए ईमानदार होना होगा। चलिए इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें लगातार जनता टीवी। नमस्कार। पेंशन बढ़ा दी मारी हुड्डा ने, मौज करा दी मारी हुड्डा ने, पेंशन बढ़ा दी मारी हुड्डा ने, मौज करा दी मारी हुड्डा ने। हरियाणा सरकार द्वारा 1 जनवरी 2014 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 1,000 रुपए प्रतिमास किया गया है। महिलाओं को शॉल व पुरुषों को साफा व डोगी के लिए एकमुश्त 501 रुपए नकद दिए गए। सबसे आगे है हरियाणा।